नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा ये जो प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं, ये कटिंग से हम लोगों ने लगाई थी। ये लक्की बम्बू को हम लोगों ने कटिंग से लगाई थी। एक महीने पहले 6 कटिंग हम लोगों ने लगाए थे, जिसमें 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अब 5वां यहाँ है। एक पानी में लगाई गई थी और 5 हम लोगों ने इसमें लगाए थे। एक मेरे बच्चे यहाँ आए थे तो गिफ्ट में मैं एक उनको कर दी, तो एक इसमें से निकल लिए हैं और 4 यहाँ पर हैं, साथ ही 5वां पानी में ग्रो कर रहा है। अब मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि देखें इनका ग्रोथ कैसा हुआ है, ये इनमें रूट्स आई हैं या रूट्स नहीं आई हैं। साथ ही इसके पत्ते आप नीचे की ओर देख रहे होंगे, कुछ पत्ते इसके पुराने हो गए हैं, पीले हो गए हैं और कुछ नए निकल आए हैं। जैसे ये आपको जो दिख रहे होंगे, ये वाले एकदम नए नए पत्ते इसमें निकले हैं, लेकिन रूट्स इसमें आए हैं या नहीं आए हैं इसे मैं अभी नहीं कह सकती। करीब 1 महीना पहले इसे हम लोगों ने लगाए थे, तो सबसे पहले चूंकि दिखाई दे रहा है तो पानी में जो डेवलप कर रहा था उसी को देखते हैं। तो इसको आप देखें कि ये पानी में जो डेवलप कर रहा था उसमें रूट्स किस तरह से निकल गए हैं। इसमें रूट्स आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि बाकी में भी जो सॉइल में ग्रो कर रहा था उसमें भी आ ही गए होंगे। तो इनमें से एक को मैं बाहर निकालती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। एक को निकाल कर उसके रूट को चेक करते हैं कि उसमें रूट्स आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन निकालने के बाद मैं सोचती हूँ एक नन्हा सा गमला है इसमें मैं लगा कर रख देती हूँ ताकि किसी को गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इतने 6 के 6 प्लांट तो मैं लगा नहीं सकती। पहले से भी मेरे पास लक्की बम्बू के 2-3 प्लांट हैं, तो इस हालत में मुझे इनको गिफ्ट करने हैं तो मैं एक नन्हा सा ये जो गमला है इसी में इसे लगा देती हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कितने ढेर सारे होल बने हुए हैं, इतने ढेर सारे होल इसमें बने हुए हैं, तो इसलिए इसमें पहले कंकड़ पत्थर डाल देती हूँ ताकि इसके होल पर ये आ जाएं और सॉइल अंदर नहीं गिरे, सब बाहर की ओर सॉइल इसके निकल कर नहीं आ पाए। तो इस तरह इसमें डालने के बाद थोड़े से नन्हे वाले जो हैं इनको भी इसमें भर देती हूँ। इसको भरने के बाद जो सॉइल मैंने रखी हुई है उसमें कोई खासियत नहीं है, उसमें 50% सॉइल है, खेत की मिट्टी है और 50% उसमें सैंड है, तो उसी को मैं इसमें डालूंगी। ऐसा सॉइल मैं बना कर रखती हूँ जिसमें 40% खेत का सॉइल होता है, 40% उसमें सैंड होता है और 20% उसमें काउडंग एकदम सूखे हुए गोबर के फर्टिलाइजर होते हैं, उसी को मिलाकर मैं रखती हूँ। अब इसको इसमें से निकाल कर देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसको निकालने के लिए एक हाथ से मुझे दिक्कत हो रही है,
थोड़े से इसको पटकोगे तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सॉयल इसकी बहुत ही अच्छी ड्रेनेज वाली रखी हुई है। मैं यहीं पर इसको पलट के देखती हूँ, जगह थोड़ी सी कम हो रही है और इधर खसका देते हैं। अरे 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 मुझे इसके रूट्स आपको दिखलाने थे, इसलिए इसके रूट्स को बाहर निकालने थे, तो मैंने इस तरह से पलट कर इसको बाहर कर लिया है। अब आप देखिए इसमें किस तरह से रूट्स आ गए। अब इसे आप आसानी से इसमें डालकर लगा दे सकते हो। सॉयल ये भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसे भी यहाँ किनारे किनारे मैं डाल देती हूँ। मैं अगर इसे मुझे सीधे लगानी होती तो मैं इसको इसके रूट बॉल को नहीं हटाती, लेकिन मुझे आपसे इसके रूट शेयर करने थे, दिखाने थे कि किस तरह से रूट्स आ गए हैं, इसलिए मैंने इसके रूट बॉल को हटा दिया था ताकि आप देख पाएँ कि इसके रूट्स किस तरह से डेवलप कर गए। आप इस तरह से आप भी अपने घर में जो प्लांट हों उन्हें आप लगा लिया करें, कटिंग लगा लें, और जब कटिंग से वह प्लांट बन जाए तो जो आपके अपने प्यारे रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप गिफ्ट कर दिया करें। ये प्लांट जब बनकर तैयार हो जाता है तो आप और हम जो गार्डनिंग करने वाले हैं, जो गार्डनिंग में हैं, वो जानते हैं कि कितना कॉस्टली हो जाता है, लेकिन ये खुद ब खुद अपने से घर में आसानी से तैयार कर लिया जाता है, तो सच पूछो तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिन्हें आप गिफ्ट करोगे उन्हें भी लगेगा कि आपने खुद से इसको डेवलप किया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा लगाने के बाद अब इसमें समय आ जाता है कि पानी डाल दिया जाए, तो इसमें पानी डाल देते हैं। दूसरी बात मुझे करनी है कि जो मैं पानी में डेवलप कर रही हूँ उसे मैं डेवलप करने दूंगी, उसे मैं सॉइल में डेवलप नहीं करूँगी। अब मैं आपको सदाबहार जिसकी ग्राफ्टिंग हम लोगों ने की थी उसको आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि ये सदाबहार के दो कलर में फ्लावर्स हैं, एक पिंक है और दूसरा वाइट है। आपको याद होगा इसकी ग्राफ्टिंग की गई थी। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो एक ही प्लांट है, ये एक ही प्लांट से ये दो आए हुए हैं। इसे मैं एक को रिमूव कर देती हूँ तो आपको आसानी से दिखाई दे देगी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब आपको समझ लग गई होगी, आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पर ग्राफ्टिंग की गई थी। आपको याद होंगे कि ग्राफ्टिंग इसमें की गई थी, यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको ग्राफ्टिंग वाली जगह, और जिसके कारण अब एक प्लांट में दो कलर के फ्लावर्स हमारे आ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।